अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम इंजीनियर किरण विकास है और आज मैं आपको ऑनलाइन आर्बिट्राज की एक डिटेल वीडियो आपके लिए मैं बना रही हूँ, ठीक है। और इसमें जैसा कि आप सब जानते हैं कि ड्रॉप शिपिंग तकरीबन एंड हो चुकी है। लाइक अगर आप ड्रॉप शिपिंग करते हो किसी भी केस में तो आपका अकाउंट जो है वो सेक्शन 3 की मद में आ जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे अकाउंट्स इस तरह के हैं जिन पर कभी अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग हुई थी, वो अकाउंट भी सारे सस्पेंड हो चुके हैं। ऐसे अकाउंट्स जिन पर कोई भी लीगल एक्टिविटी, और इवन कुछ ऐसे अकाउंट्स जिन पर लीगल काम भी सारा किया गया लेकिन ड्रॉप शिपिंग थी, तो उन अकाउंट्स पर सेक्शन 3 लग चुका है, ठीक है, और कंटिन्यूसली लग भी रहा है, ठीक है। उसमें क्योंकि अमेजोन ने अपने एल्गोरिदम को अपडेट किया है, वो ट्रैकिंग्स को पकड़ लेता है। इसके अलावा अगर आप सैम्स क्लब को भी यूज़ कर रहे हो, उसकी ट्रैकिंग नो डाउट वो नहीं पकड़ रहा, लेकिन जब डिफरेंट वेयर हाउस से डिफरेंट लोकेशन से आपकी आइटम्स जो हैं वो कस्टमर तक पहुंच रही होती हैं, तब अमेजोन को ड्रॉप शिपिंग का पता चल जाता है, ठीक है। तो इस वजह से अब हाँ, मतलब बहुत सारे सेलर्स ने जिनके अकाउंट बच गए हैं किसी भी तरीके से, उन्होंने ऑनलाइन आर्बिट्राज का सिस्टम स्टार्ट कर दिया है। ये भी ड्रॉप शिपिंग की तरह का मॉडल है, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक चीज डिफरेंट है कि इसमें आपको पहले से कुछ ना कुछ परचेजिंग करनी पड़ती है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है आप लिस्ट करना चाहते हो तो उसमें 10-20 यूनिट जो भी हैं वो आपने पहले परचेज करनी है, देन आपने सेलिंग स्टार्ट करनी है। और इसमें ये प्योरली FBM भी हो सकता है और प्योरली FBA भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑनलाइन आर्बिट्राज में जस्ट आपने क्या करना है कि ऑनलाइन कहीं से भी कोई भी चीज़ आपने बाय कर ली है, फॉर एग्जाम्पल वॉलमार्ट से ही बाय कर ली है, देन उसको आप अमेजोन पे अपना प्रॉफिट रखकर सेल आउट करते हो। इसके लिए जस्ट आपको एक कंप्यूटर चाहिए, ठीक है, और इसके अलावा कोई बहुत ज्यादा क्विक रिच होने की ये स्कीम नहीं है, ठीक है। तो इसमें अलबत्ता ये है कि आपकी अच्छी मतलब आइटम्स जो हैं वो सेल आउट हो जाती हैं। ऑनलाइन आर्बिट्राज लीगल है क्योंकि ड्रॉप शिपिंग तो लीगल नहीं थी जो जिस तरीके से हम लोग कर रहे थे, ठीक है। तो इसको अगर देखा जाए जनरली ये लीगल ही है, ठीक है, लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनसे हम ऑब्वियसली ओवरकम कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के साथ। और इफ यू आर नॉट अलाउड टू सेल अ प्रोडक्ट देन यू नीड एन ऑथराइज सेलर, ठीक है। आपको एक ऑथराइज सेलर बनना चाहिए, ठीक है। जनरली आप कोई भी चीज कर रहे होते हो, कोई भी चीज सेलिंग करने लगते हो, तो ऑब्वियसली उसमें आपको कुछ ना कुछ रिक्वायर्ड होता है। जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑनलाइन आर्बिट्राज में, सबसे पहले अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज को देख लेते हैं कि वो क्या होता है। इसमें आप ऑनलाइन रिटेल आर्बिट्राज में बहुत सारे सेलर्स हैं। होता क्या है नॉर्मली इसमें कि आप अमेजोन से प्रोडक्ट्स को बाय कर लेते हो जब डील्स वगैरह चल रही होती हैं, एंड देन डील्स खत्म होने का आपको इंतजार होता है। जब डील खत्म होती है देन आप आइटम्स को लिस्ट करके उसमें प्रॉफिट अच्छा कमाकर आप उसको रीसेल कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद फर्दर हम मूव ऑन करते हैं ईबे टू अमेजोन आर्बिट्राज की तरफ। ईबे टू अमेजोन आर्बिट्राज में भी सेम यही चीज है। इसी तरह से अमेजोन टू ईबे आर्बिट्राज, गूगल शॉपिंग, वॉलमार्ट, इन सब चीजों को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। फेसबुक मार्केट प्लेस से भी आप उस पर भी ऑनलाइन आर्बिट्राज कर सकते हो। प्रोज एंड कॉन्स क्या है? प्रोज क्या है इसकी? लो फिजिकल वर्क, आपको बहुत कम वर्क करना पड़ता है। लोकेशन आपको फिजिकल चाहिए होती है जहां से बिजनेस आपका रन हो रहा हो। इसके अलावा टाइम इंडिपेंडेंट होता है कि मतलब जब भी आप आज कर लें, कल रात कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी बेस्ट प्राइसेस हैं वो आपको जैसे जैसे टाइम मिले आप पार्ट टाइम जॉब के साथ साथ अपना बिजनेस रन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, कौन से अगर देखें कि इसके क्या नुकसान हैं, तो हो सकता है कि कुछ लोकल स्टोर में प्रमोशन हो या कोई और इस तरह की चीज चल रही हो तो आप उस डिस्काउंट को मिस कर जाएं, ठीक है। फिर आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर इसमें यूज करने पड़ते हैं, जैसे टेक्टिकल आर्बिट्राज है, सोर्स मुगल है, कीपा है, ठीक है, ये चीजें भी होती हैं। इसके अलावा रिस्ट्रिक्शन और कॉपीराइट्स भी इसमें होते हैं कि सिर्फ इन्हीं इस तरह के ही चैलेंजेस बस फेस करने पड़ते हैं। इसमें अमेजोन का अकाउंट आपका काफी हद तक सिक्योर रहता है कि अगर आप कॉपीराइटेड आइटम्स को सेल आउट करोगे तो वो चैलेंजिंग होगा आपके लिए, ठीक है। अब इससे पैसे कैसे बनाने हैं? ऑब्वियसली आप ऑनलाइन आर्बिट्राज में पैसे किस तरह से बनाओगे कि डायरेक्टली आइटम्स को पिक करोगे, ऑनलाइन परचेज करोगे, देन हंटिंग के कुछ क्राइटेरिया
आइडियाज हैं वो भी मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। देन उसके बाद आपने क्या करना है कि जो भी आइटम्स है उनको खरीद कर अपने वेयर हाउस में रख लेना है और फिर प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। देन ग्रेजुअली जैसे जैसे आपके पास ऑर्डर आते जाएंगे आप उनको सेल आउट कस्टमर तक फुलफिल करते जाओगे। ठीक है, सबसे पहले आपने प्रोडक्ट के आइडियाज को जनरेट करना है, फिर प्रोडक्ट की सोर्सिंग करनी है, फिर आपने अपनी आइटम्स को चेक करना है कि जो अमेजोन पे इसकी लाइक गिवन है, मतलब फीचर्स गिवन है, डिस्क्रिप्शन गिवन है, वो आपकी प्रोडक्ट से मैच कर रहे हैं। उसके बाद आपने चूज करना है फुलफिलमेंट मेथड और लास्टली आपने बाय बॉक्स को विन करना है। ठीक है, तो आर्बिट्राज को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप आपकी प्रोडक्ट हंटिंग है। तो यूजली जो चीजें हमें कंसिडर करनी होती हैं एज मतलब एज ए कॉस्ट ऑफ आइटम, वो तीन चीजें हैं। एक तो प्रोडक्ट कॉस्ट है, दूसरा सेलिंग फी है अमेजोन पे, और तीसरा शिपिंग कॉस्ट है। ठीक है, अगर आप FBA कर रहे हो तो आप FBA कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा जी, अब अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज करना किस तरह से है? बिफोर बाइंग आपने आइडेंटिफाई करना है कि जो प्रोडक्ट आप परचेज करना चाहते हो उस पे आपका डिसीजन जो है वो डिफरेंट क्राइटेरिया पर डिपेंड कर रहा है। अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं देन आप उस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो। अब ऑब्वियसली प्रोडक्ट अगर आपके क्राइटेरिया पर उतर रही है तो फिर आपने उस आइटम को सोर्स करना है। जैसे रिटेलर वेबसाइट्स हैं, जैसे टारगेट है, वॉलमार्ट है, ईबे है, आप कहीं से भी परचेजिंग कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब अपना ऑर्डर प्लेस कर दोगे, और अगर आपने अपने वेयर हाउस में रखवाना है तो अपने वेयर हाउस में आप प्रोडक्ट को पहुंचा दोगे, अदरवाइज अमेजोन का वेयर हाउस भी यूज कर सकते हो। फिर आपने आइटम्स को अमेजोन पे लिस्ट करना है। ठीक है, और फिर आपने वेट करना है कि आपकी इन्वेंट्री सेल आउट हो। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली आपने एक चीज नहीं भूलनी, वो है कि आपने अपने कस्टमर के इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, नेगेटिव फीडबैक से बचने के लिए आपने ये सारे काम लाजमी करने हैं। ठीक है, अब बिगिनर मेथड हम आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले आपने गुड प्रोडक्ट्स जिनकी लेस प्राइस होगी अमेजोन के अलावा बाकी जहां से भी आप खरीदें, अगर मतलब अमेजोन पे वो महंगी होनी चाहिए और जहां से सोर्सिंग कर रहे हैं वहां पर आपकी प्रोडक्ट सस्ती होनी चाहिए। ठीक है, अब डेली आपने 5 to 7 डेली लीड्स लेनी है और 100% अनगेटेड प्रोडक्ट्स को आपने खरीदने हैं, और कोशिश करनी है कि 75% एवरेज आरओआई आपके पास हो। ठीक है, लेकिन आरओआई इससे कम भी हो तो कोई नहीं, आप 30% तक, 40% तक आराम से मतलब सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, जब आपको प्रोडक्ट ऑनलाइन कोई भी मिल जाए फिर आपने उसको परचेज करना है। फिर अगर आप FBA की सर्विसेज लेना चाहते हो तो FBA कर लो, अदरवाइज FBM भी कर सकते हो आप। अच्छा, जब प्रोडक्ट आपकी आपकी इन्वेंट्री में आती है तो आपने उसको ऐड करना है अपनी लिस्टिंग में सेल करने के लिए, और बाय बॉक्स को विन करने के लिए ऑब्वियसली आपको कंपेटिटिव प्राइस देखनी है और हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन आपने कमा लेना है। ठीक है, अब एडवांस सेलर्स जो हैं वो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीका भी इस्तेमाल करते हैं कि वो लोअर सेल्स रैंक की प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ सोर्स करते हैं। इसके अलावा जो अमेजोन की क्रॉस रेफरेंस अमेजोन डेटाबेस है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी कि इस पर किस तरह डायरेक्टली प्रॉफिटेबिलिटी मतलब डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं, और वो ये भी देखते हैं कि दूसरे कंपेटिटर सेम प्रोडक्ट को किस तरह से सेल आउट कर रहे हैं। इनके पास तकरीबन 7 to 10 डेली लीड्स आनी चाहिए, 5% एवरेज आरओआई आना चाहिए, एंड फर्स्ट टॉप बेस्ट सेलर रैंक प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब ऑनलाइन आर्बिट्राज की सोर्सिंग के डिफरेंट मेथड्स हैं। ठीक है, आप मैनुअल सोर्सिंग भी कर सकते हो और ऑटोमेटेड सोर्सिंग यानी कि किसी टूल वगैरह को इस्तेमाल करके भी कर सकते हो, और किसी वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करके भी आप ऑनलाइन आर्बिट्राज की सोर्सिंग करवा सकते हो। सो मैनुअल सर्च में आप जो है वो रिटेल वेबसाइट्स, ऑनलाइन रिटेल वेबसाइट्स को यूज कर सकते हो, और सॉफ्टवेयर अगर यूज करते हो तो टेक्टिकल आर्बिट्राज, सोर्स मुगल या कीपा वगैरह को आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप VA को हायर करोगे तो ऑब्वियसली वो आपके क्राइटेरिया के मुताबिक आपको प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट करके दे देगा। ठीक है, अब बहुत फेमस ऑनलाइन रिटेलर है वॉलमार्ट। ठीक है, उसमें से मतलब कुछ फेमस और वेबसाइट्स हैं, आप उन वेबसाइट्स में जाओ और डील्स को और कूपन्स को सर्च करो। ठीक है, जब आपको डील्स और कूपन्स मिल जाए तो फिर आप वहां से प्रोडक्ट्स देखो कि अगर आप उनको सेल आउट अमेजोन पे करते हो तो आपको क्या प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है। अब सॉफ्टवेयर अगर आपने यूज करने हैं तो सॉफ्टवेयर अगर आप आर्बिट्राज विदाउट सॉफ्टवेयर करना चाहते हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर यूज करो तो मैं फिर दोबारा रिपीट कर देती हूँ, टेक्टिकल आर्बिट्राज अच्छा है। इसके अलावा
मतलब जो सोर्स मुगल है और कीपा को इस्तेमाल कर सकते हो, ये सारे हैं। ये रेव सेलर जो है ये आपके अकाउंट के साथ अटैच होते हैं, जो भी आपका सेलर अकाउंट है उसको अटैच करना पड़ता है। अमेजोन असिस्टेंट चाहिए, टेक्टिकल आर्बिट्राज चाहिए, प्राइस ब्लिंक चाहिए, कैमल 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 यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसकी जगह कीपा भी इस्तेमाल कर सकते हैं कैमल 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 की जगह। अच्छा, चेक परमिशन डॉट कॉम को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रेक्यूटेन एंड स्वैगबक्स, ठीक है, ये सारे कुछ इसके पेड टूल्स हैं, ये सारे इनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब जो फ्री टूल्स हैं, फ्री टूल्स में कीपा को आप फ्री भी इस्तेमाल कर सकते हो, जस्ट टू सी द ग्राफ के उसकी प्राइस की हिस्ट्री क्या चल रही है, उस चीज को और प्राइस फ्लक्चुएशन को देखने के लिए आप कीपा का फ्री वर्जन भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा अमेजोन असिस्टेंट एक अच्छा मतलब टूल है कि आप किसी भी साइट पर जाकर अगर कोई भी प्रोडक्ट देखते हो तो ये आपको बता देता है कि अमेजोन पर ऑलरेडी ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, ठीक है। प्राइस ब्लिंक है, प्राइस ब्लिंक आपको, आप अमेजोन पे जब भी कोई प्रोडक्ट ओपन करते हो प्राइस ब्लिंक आपको बता देता है अदर ऑप्शन के फला फला लोकल वेंडर के पास जो है ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, ठीक है। उसके अलावा रेकुटिन है, वो भी आपको नॉर्मली इसी तरह से कैशबैक्स जो परचेज पर आते हैं इस तरह की चीजें आपको पता चल जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा रेव सेलर के नाम से एक मैंने भी आपको बताया कि ये प्रॉफिट और आरओआई एस्टीमेशन के लिए इस्तेमाल होता है, और ये आपके मतलब ये फर्स्ट 30 डेज के लिए फ्री है और उसके बाद आपको ये पेड वर्जन इसका लेना पड़ता है। उसके बाद आईपी अलर्ट है, ये आपको बताता है कि किस ब्रांड को सेल करना चाहिए और किस ब्रांड को सेल नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है हाउ मैनी, हाउ मैनी भी एक ऐसा पेड टूल है, ठीक है, जिससे आप कम से कम नंबर ऑफ यूनिट्स जो आपके कंपेटिटर्स के स्टॉक में है वो आप देख सकते हो और उसी के मुताबिक आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितना परचेज करने की जरूरत है। हाउ मैनी के अलावा ओ एस एडन एक एक्सटेंशन है, ओ एस एडन, ठीक है, उसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। सो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता कि हम बाय बॉक्स को कैसे विन कर सकते हैं। यूजुअली बहुत सारे सेलर सेम प्रोडक्ट को अमेजोन पे सेल कर रहे होते हैं, इसलिए हमने कस्टमर की अटेंशन को किस तरह से ग्रास्प करना है, तो अगर एक सेलर बाय बॉक्स को विन कर लेते हैं उसके हाई चांसेस होते हैं कि वो आइटम को सेल आउट करे, ठीक है। तो बाय बॉक्स जो है वो बेसिकली एड टू कार्ट या बाय नाउ का बटन होता है जो आपके प्रोडक्ट पेज पर नजर आ रहा होता है। अगर आप एफबीए करेंगे तो आपके बाय बॉक्स विन करने के चांसेस खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। इन द सेम वे अगर आपके चांसेस ऑफ एफबीए सेलर मोर देन अदर सेलर्स होते हैं ऑब्वियसली बाय बॉक्स को विन करने के लिए, लेकिन अगर आप एफबीएम भी करते हो तो तब भी आपके पास चांसेस होते हैं, लेकिन अगर उसमें एफबीए सेलर ऑलरेडी मौजूद हो तो एफबीए को ज्यादा प्रायोरिटी मिल रही होती है एज कम्पेयर टू एफबीएम सेलर, ठीक है। अब एडवांस सेलर्स के लिए कुछ मैं थोड़ा सा बताती चलूँ कि आपने राइट टूल्स का इस्तेमाल करना है, जैसे Helium 10, जंगल स्काउट और रेव सेलर, ये क्रोम एक्सटेंशन हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हैं। उसके अलावा आप Amazon एड्स इस्तेमाल कर सकते हो अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए। इसके अलावा FBA सर्विसेज को आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये थॉरली मैंने आपको सारा गाइड कर दिया है। अब हम मूव करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ कि आप जो है वो Amazon पे ऑनलाइन आर्बिट्राज करने के लिए प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो जी मैं बस इसको थोड़ी एडजस्टमेंट कर दूं इसकी। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल हम amazon.com पे जाते हैं, हेल्थ हाउस होल्ड एंड बेबी केयर पर चले गए, ठीक है। मैं इस आइटम में ऐसे बस आपको सर्चिंग करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से आइटम्स वगैरह पिक करेंगे कि हम किस टाइप की आइटम सेल करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम हेल्थ केयर आइटम्स जो हैं वो सेल आउट करना चाहते हैं, ठीक है। अब ऑब्वियसली इसमें गेटेड अनगेटेड आपने चेक करना है, अपने सेलर अकाउंट के मुताबिक आपने देखना है कि क्या ये प्रोडक्ट आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हाईली रेटेड आइटम्स हैं, जो हाईली रेटेड होती हैं ऑब्वियसली वो आपके लिए सूटेबल होती हैं, अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं, तो ये मोस्ट विश आइटम्स हैं। इसके अलावा ये बेस्ट सेलर आइटम्स हैं, ठीक है। हम ऐसे करते हैं सी मोर पे क्लिक करते हैं ताकि बेस्ट सेलर आइटम्स हमें नजर आना स्टार्ट हो। अब हमने देखना है कि इनकी सोर्सिंग कहाँ से की जा सकती है। फॉर एग्जांपल अगर ये प्रोडक्ट है, इसको मैं ओपन करती हूँ, बल्कि इसको न्यू टैब में ओपन करती हूँ, ठीक है, इसको भी न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं, इसको भी न्यू टैब में, ठीक है। कुछ आइटम्स को रेंडमली बस मैं अभी ओपन करूंगी, फिर हम इनके लोकल वेंडर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस पर हम चलते हैं।
ठीक है, कुछ आइटम्स जो हैं वो हमने सर्च कर लेनी है इस तरीके से, ठीक है। ये जो भी आइटम्स हैं, जैसे आपने कोशिश करनी है, मैं क्राइटेरिया आपको बताती चलूँ, ऐसी प्रोडक्ट्स तलाश करें जिनका वेट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 4 पाउंड तक हो, और कम से कम 1 LB से भी नीचे हो, ठीक है। दो कैटेगरीज हैं, या तो 1 पाउंड से नीचे देख लें प्रोडक्ट, या 4 पाउंड से नीचे देख लें। इसमें ये चीज़ बताने की मतलब वेट का क्राइटेरिया सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमें शिपिंग कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए खुद से पे करनी होती है, इस वजह से हमें देखना पड़ता है कि कौन सी प्रोडक्ट हमारे लिए सूटेबल है। अच्छा, वेट का बता दिया आपको, इसके अलावा रेटिंग और रिव्यूज इसके अच्छे होने चाहिए। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हमने 10 रेटिंग वाली भी 20 रेटिंग वाली भी प्रोडक्ट सेल आउट की है ऑनलाइन आर्बिट्राज में, और उसमें कोई ऐसा इशू नहीं आया, ठीक है। लेकिन अगर रेटिंग थोड़ी ज्यादा हो, लाइक हंड्रेड्स में हो या थाउजेंड्स में हो, तो वो जरा प्रोडक्ट जो है वो सूटेबल ज्यादा होगी, ठीक है। लेकिन आइटम की सिलेक्शन आप पर बेसिकली डिपेंड करती है। अच्छा, ये देखें, ये मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, ये वाली, ये रेव सेलर के नाम से है, ठीक है। ये मेरे अकाउंट के साथ लिंक्ड है, और अब देखें अगर ये प्रोडक्ट है तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगी, और कॉपी करके इसको मैंने गूगल करना है, ठीक है। और गूगल करने के बाद अब मैंने देखना है कि ये जो आइटम है ये कहाँ कहाँ पर मौजूद है, ठीक है। अमेजोन पर है, वॉलमार्ट पर भी है, इसके अलावा गमी बाइट्स यहाँ पर, ये डायरेक्टली ब्रांड के पास भी है। अब मैं ब्रांड वाला ऑप्शन ओपन करूंगी क्योंकि ऑब्वियसली ब्रांड हमें, अगर हम ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं उससे, तो कुछ ना कुछ बेटर हमें दे रहा होगा, और हो सकता है कि इस ब्रांड के पास इस तरह की भी अपॉर्चुनिटी हो कि ये होलसेलर अकाउंट भी ओपन करता हो। अगर होलसेलर अकाउंट ओपन हो जाए तो फिर तो आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि इसका MOQ क्या है, यानी कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी की लिमिट क्या है, और बाकी सारी चीजें क्या है, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट यहाँ यहाँ पर अवेलेबल तो है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो कि लिखा हुआ है कि $2 off on 1 VitaFusion गमी विटामिन प्रोडक्ट, ठीक है। क्लिक हियर, यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ पर वो कहते हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मंथ, ये वो आप चीजें प्रोवाइड करके सबमिट करवा दें। जब आप सबमिट करवाएंगे, जब आप इसकी परचेजिंग करोगे, ऑब्वियसली आपको $2 की जो एक्स्ट्रा मतलब एक बेनिफिट है वो भी यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर हम फर्दर देखते हैं इस आइटम को, ये कूपन आपको मिल जाएगा बेसिकली, ठीक है। अब वेयर टू बाय पर क्लिक करते हैं कि हमें ये कहाँ से खरीदनी है ये आइटम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट्स ही पता चल रही है, ठीक है। हमारी जो प्रोडक्ट है वो गमी वाइटमिन किड्स मेलेट टिन है, ठीक है। इसी को आपने रहने देना है, इसको सबमिट करें, और जब आप सबमिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम कहाँ कहाँ से ये आइटम्स जो हैं वो ऑथराइज्ड ऑनलाइन रिटेलर से जो है वो खरीद सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर ऑनलाइन पर ही रहने दूंगी, ठीक है। और नो ऑफर अवेलेबल, अभी यहाँ पर कोई भी अवेलेबल ऑफर एज सच नहीं है ऑथराइज्ड ऑनलाइन रिटेलर के पास। अच्छा, लोकल पर क्लिक करके देखते हैं कि लोकल इनके जो स्टोर्स हैं वो हमें कितने में दे रहे हैं, ठीक है, आइटम। ये चीज भी हम यहाँ से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट मैं ऐसे एक डमी जिप कोड एंटर करती हूँ ताकि हम यहाँ पर देख सकें। अब फॉर एग्जाम्पल, ये कुछ सप्लायर्स हमारे पास आ रहे हैं, इसको हम क्लिक करते हैं। इन सप्लायर से भी प्रोडक्ट ली जा सकती है, और अगर डायरेक्ट ब्रांड खुद से दे रहा होता तो फिर तो बहुत ही जबरदस्त हो जाता कि हम इनसे जो है वो खरीद सकते थे। अच्छा, ये अब डायरेक्शंस वो दे रहा है, लेकिन अभी हमें प्राइस एक्चुअल पता नहीं चल सकी कि आइटम कितने में हमें मिल रही है, ठीक है। ये ऑब्वियसली उसने लोकेशन गूगल मैप लगा दिया कि आप यहाँ जाकर इस आइटम को बाय कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ से डायरेक्ट नहीं मिल रही, अब हम टारगेट पर भी देख लेंगे, ठीक है। अगर वॉलग्रीन पर के पास ये वाली आइटम हुई तो वॉलग्रीन एक अच्छा वेंडर है जो कि इस तरह की आइटम्स आपको दे रहा है, ठीक है। आपने इन सब लोकल वेंडर्स को ओपन करके देखते जाना है। ये हंटिंग का मेथड बता रही हूँ आपको कि आप इस तरह से हंटिंग कर सकते हो, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, ये कैरोगर, ये भी अच्छा वो है, सप्लायर है, वेंडर है। अच्छा, अब यहाँ से हमने इसकी, ये देखो, अब अमेजोन असिस्टेंट भी यहाँ पर चला और प्राइस लिंक भी चला, कंपेयर करेंगे। अब देखो यहाँ पर ईबे पर ये 2.99, लेकिन शिपिंग आपको $5.5 पड़ रही है। इसके अलावा प्योर फॉर्मूलाज
इस पर भी प्रोडक्ट थोड़ी महंगी लगी हुई है क्योंकि अमेजोन पे ये 10.39 की सेल आउट हो रही है, ठीक है, 15, और यहाँ पर 10 और प्लस शिपिंग इसके साथ यहाँ पर आ रही है। अगर वॉलमार्ट प्लस आईडी है आपके पास तो ये शिपिंग आपकी खत्म हो सकती है, लेकिन अमेजोन की और वॉलमार्ट की प्राइस सेम आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये अमेजोन असिस्टेंट आपको बता रहे हैं कि 10.39 में ये प्रोडक्ट जो है अमेजोन पे सेल आउट हो रही है। अब हम यहाँ टारगेट वगैरह पर इसकी प्राइस को चेक कर लेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट जितने भी हैं हमारे पास वेंडर्स, हम उसको देखते जाएंगे, ठीक है। हर वेंडर को हमने देखते जाना है, ये कुछ कूपन्स हैं, कुछ रिवार्ड्स हैं, लाइक इस तरह से आप इन सबको भी ओपन कर करके देख सकते हो, ठीक है। ये स्टोर है, यहाँ पर आकर आप आइटम्स को सर्च कर लो। इसके अलावा डायरेक्टली मैं ऐसे करती हूँ कि वॉलग्रीन को ओपन करती हूँ और वहां पर जाकर भी इन गमीज को सर्च कर लेते हैं अगर हमें यहाँ पर ये वाली आइटम मिल गई तो, ठीक है। ऑब्वियसली एक आइटम जो आप देख रहे हो कि जिसका बीएसआर भी अच्छा है, ऑब्वियसली सारी चीजें अच्छी हैं, तो आप उस आइटम की खोज लगा सकते हो कि हमें ये प्रोडक्ट कहाँ से मिल सकती है, ठीक है। मैं दोबारा से इसका टाइटल कॉपी करके वॉलग्रीन में यहाँ पर सर्च करके देखती हूँ कि अगर ये वाली आइटम यहाँ पर हमें मिल जाए, ठीक है। तो ऑब्वियसली प्राइस का कंपेरिजन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हमें क्योंकि ऑनलाइन परचेजिंग करनी है, अब देखो ये फ्लेवर और फूड सप्लीमेंट किसी और तरह का है, ठीक है, ये स्टोर में सोल्ड नहीं होती। बाय वन गेट वन 50% ऑफ, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, यानी कि अगर एक खरीदते हो तो उसके साथ हाफ आइटम की प्राइस आपको इनके ऑफ हो जाएगी, तो ये चीज भी इम्पॉर्टेंट होती है, बाय वन गेट वन 50% ऑफ, ठीक है। और यानी कि फिर आपको नेक्स्ट की भी प्राइस हाफ देनी पड़ेगी, तो इस तरह से आपको कुछ ना कुछ बच जाएगा। और वैसे भी शिपिंग है, आपने देखना है शिपिंग ही होनी चाहिए। और आपने इस वेबसाइट पे अगर एक चीज नोटिस की हो, मैं आप बैक जाती हूँ ताकि आपको वो चीज नोटिस करवा सकूँ कि अगर आपका ऑर्डर $35 तक है तो आपको शिपिंग फ्री मिलेगी, यानी कि आपके वेयर हाउस तक ये प्रोडक्ट फ्री जो है वो शिप हो जाएगी। कहाँ से पता चला ये देखें, $35 आपके होम पर या फिर शिप टू स्टोर, ये फ्री हो जाएगी, ठीक है। और अराइव इन 3 to 5 बिजनेस डेज है, और ऑटो भी आप इस पर लगा सकते हो। अच्छा, अब ऑब्वियसली इसमें आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, एड फॉर शिपिंग लिखा हुआ है, और अच्छा वो कहते हैं कि रिमूव हो गई है, दोबारा से इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब ऑब्वियसली हमने इसको अगर खरीदना है तो आप ये पिकअप की आइटम्स आ रही हैं, चाहे यहाँ पर भी वॉलग्रीन पे भी डायरेक्टली आप सर्चिंग कर सकते हो कुछ ऐसी आइटम्स की, जैसे ये कुछ आइटम्स यहाँ पर इस तरह से आ रही हैं। इन आइटम्स में सब में डिस्काउंट लगा हुआ है, बाय वन गेट वन 50% ऑफ है। तो इसके अलावा ये देखो फ्री गिफ्ट ऑफर है, इसमें एक्स्ट्रा 15% ऑफ, $30 बैक टू स्कूल, फिर यहाँ पर देखें बैक टू स्कूल, लाइक इसमें काफी सारी ऑफर्स हैं। असल में हमें डील्स और ऑफर्स ही यहाँ पर बचत दिलाती हैं। अब डिफरेंट आइटम्स इस तरह से आप यहाँ पर सर्च करते जाओगे, ठीक है। अच्छा, अब एक और आइटम है, मैं उस पे अगर जाऊं तो मैं आपको थोड़ा गाइड करती हूँ। एक आइटम मैंने यहाँ पर सर्च की थी तो वही आइटम, चले मैं कोशिश करती हूँ आपको दिखा दूँ। जी, ये जैसे एक आइटम है, इस आइटम की अगर मैं टाइटल को यहाँ से कॉपी करती हूँ, ठीक है, और कॉपी करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा टैब्स बंद कर देते हैं ताकि हमारे नेट की स्पीड थोड़ी स्लो है तो जरा बेटर हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इस आइटम को पेस्ट करके सर्च करती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब ये वॉलमार्ट पर भी है, वॉलमार्ट पर भी है, लेकिन ऑब्वियसली वॉलमार्ट पे ये सस्ती नहीं होगी, हम कुछ और देखते हैं। अब देख, ये ब्रांड है, खुद से सेल आउट कर रहे हैं, इस ब्रांड को ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक आइटम आ गई है, ठीक है। अब आप यहाँ पर इस आइटम को थोड़ा सा हम सर्च करते हैं, और अच्छा अब ये आइटम की ही सारे फीचर्स हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है, और इस पर हम जरा शॉप नाउ पर क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ रहा है बाय फोर गेट वन फ्री, और 66% ऑफ भी है, यानी कि चार खरीदोगे तो एक फ्री मिलेगी, और 66% ऑफ भी चल रहा है इस पर, फ्री शिपिंग है इसकी, ठीक है। और फ्री शिपिंग ऑब्वियसली उनकी पॉलिसी है कि मेरे ख्याल से इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी इसमें कितनी शिपिंग जो है वो फ्री है।
देखिए प्रोडक्ट की रिव्यूज भी अच्छे हैं, यानी कि यहाँ पर ऑथेंटिक प्रोडक्ट है, फेक नहीं है। असल प्राइस इसकी 195 है, लेकिन सेल लगी हुई है और ये 66 में हमें 5 बॉटल्स इसकी मिल जाएंगी, ठीक है। अगर हम यहाँ ऑर्डर नाउ पर क्लिक करेंगे, देखिए चेकआउट पे जाएंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन हमने अपने वेयर हाउस की देनी है, कंटिन्यू शिपिंग करनी है। तो आप देखो कि 133 में दो दो पैक आ रहे हैं ये, ठीक है, यानी कि 5 और 5 10 बॉटल्स आ रही हैं। यहाँ पर अगर मैं कार्ट पर क्लिक करूँ तो ये देखिए दो क्वांटिटी आ रही है, अगर मैं एक करूँ तो 66.5 में आपको 5 बॉटल्स मिल रही हैं, ठीक है। तो अगर एक बॉटल की आप प्राइस निकालो तो 13.3 मतलब ईच आपको मिलेगी। ऑब्वियसली इसमें मैं आपको कैलकुलेटर से भी थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ, 66.5 डिवाइडेड बाय 5 कर देती हूँ, ठीक है। एक की प्राइस $13.3 है, ठीक है, और अमेजोन पे इसका पैक ऑफ 3 अवेलेबल है, ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए अमेजोन पे पैक ऑफ 3 है इसका। तो लाइक इस प्रोडक्ट को हमने सेल आउट किया हुआ है लाइक इन $62, और अगर $62 में इसको हम सेल करते हैं और $62 में ईच आइटम हमें पड़ेगी 20.66 की, ठीक है, 20.66 की, और लाइक 3 आइटम्स को, 3 पैकेजिंग को, या 3 इस तरह की बॉटल्स को, यहाँ पर 5 बॉटल्स हमने परचेज की हैं, लेकिन 3 बॉटल्स इसकी $62 में सेल आउट की हैं। अब आप देखो इसमें ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये जो मैंने एक्सटेंशन लगाई हुई है यहाँ पर, सेल प्राइस हम सबसे पहले लगाएंगे, हमने सेल आउट करनी है 62 में, ठीक है। और परचेजिंग कॉस्ट हम, मैं आपको दिखाती हूँ कि हम परचेजिंग कॉस्ट अब इसकी निकाल रहे हैं, वो किस तरह से निकलेगी, ये देखिए 13.3 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें इसको, क्योंकि 3 सेल आउट करनी है, 39.9, शिपिंग फ्री है इसकी, ठीक है। तो हम FBM के केस में यहाँ पर $39.9 लगाएंगे, और जब पैकेजिंग और हर चीज़ अमेजोन की रेफरल फी है वो निकाल कर ये बता रहा है कि 14% मार्जिन है इस प्रोडक्ट में, और 22% ROI है इसका। और अगर यहाँ पर देखें तो LBs में इसकी, इसका जो वेट है वो सिर्फ 0.65 LB है, विच इज लेस देन 1 पाउंड, ठीक है। और क्राइटेरिया हमारा ये भी फुलफिल हो रहा है, इसके अलावा डायमेंशन भी इस प्रोडक्ट की काफी छोटी सी है इंचेस में, तो ये भी हमारे लिए सूटेबल है, ठीक है। तो आप इस आइटम को चाहे FBA कर लें, चाहे FBM कर लें, इट्स अप टू यू। और यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया, बैक जाते हैं दोबारा से, कि इस तरह से आइटम अगर आप ए 1 मंथ सप्लाई सिर्फ लेते हैं, उसमें सिर्फ 25% ऑफ आ रहा है, यानी कि एक आइटम पर, और अगर आप 3 मंथ्स की सप्लाई लेते हो तो 58% ऑफ है, और अगर आप ये वैल्यू पैक लेते हो यानी कि 5 मंथ्स की डील लेते हो तो उसमें 66% ऑफ है। तो आप इसको बल्क में परचेज कर सकते हो, ठीक है। आप सिलेक्ट पैकेज करो, और आप ज्यादा पैकेजेस सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक क्वांटिटी को सिलेक्ट कर सकते हो कि हमें इतनी ईमेल, इतनी प्रोडक्ट्स चाहिए। अब इसमें आप सबसे पहले यहाँ पर देखो, वी ऑफर अ 30-डे मनी बैक गारंटी, इफ फॉर एनी रीजन यू डू नॉट एब्सोल्युटली लव दिस प्रोडक्ट, वी विल रिफंड योर मनी इवन इफ यू सेंड अस बैक एन ओपन बॉटल। अगर आप ओपन बॉटल भी भेजते हो, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो ब्रांड है, ऑब्वियसली ट्रेडमार्क भी रजिस्टर है इसका, और वैसे भी ये ब्रांड वेल नोन ब्रांड है, ठीक है। तो आप इसकी फर्दर आइटम्स को भी आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इसकी गमीज भी हैं, ये तो एक प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाई है, आप बंडल ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो इसकी सर्च कर सकते हो, और इसके इंग्रेडिएंट्स और जो कुछ भी आप इसको देखना चाहते हो, ऑब्वियसली इसकी सारी आइटम्स को आप देख लो। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि प्रोडक्ट को देखने के साथ साथ आप जो है वो मतलब इसकी रिव्यू रेटिंग हर चीज अमेजोन पर भी देखोगे, ऑब्वियसली यहाँ पर देखो कि BSR भी इसका अच्छा है, 18,000 समथिंग है, और 3 पैक जो है वो इसके सेल हो रहे हैं। इस टूल ने हमें ये बता दिया। इसके अलावा आप इसका ग्राफ देख लो, तो ग्राफ अगर आप देखो तो आपको तो चलता है कि प्रोडक्ट कंटिन्यूसली अच्छी ही प्राइस में सेल आउट हो रही है। अभी ये आउट ऑफ स्टॉक है प्रोडक्ट, क्योंकि सब सेलर तकरीबन करंटली अनअवेलेबल है, ये नहीं पता कि कब वापस आएगी। तो अगर हम इसको एज ए सिंगल सेलर भी यहाँ पर सेल आउट करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि ये जो IP अलर्ट का ये टिक है, ये शो कर रहा है कि आप इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर लो, इसमें कोई कंप्लेन नहीं है, एज सच आप इस ब्रांड को सेल कर सकते हो। देखो इस ब्रांड की ये प्रोडक्ट है, और ये ब्रांड जो है वो आपको कोई भी एज सच जो है वो
टफ टाइम नहीं देने वाला। तो लाइक ये प्रोडक्ट हंटिंग का एक जनरल सा मेथड मैंने आपको बताया है। सो इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में आपको फर्दर गाइड करूंगी कि आप किस तरह से फर्दर मतलब प्रोडक्ट्स जो हैं वो हंटिंग कर सकते हो ऑनलाइन आर्बिट्राज की। और ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट अगर प्रॉफिट मार्जिन और हर चीज ओके दे रही है, देन इसके बाद जो आपने फैक्टर तलाश करना है वो ये है कि क्या आप इस बिफोर परचेजिंग ये चीज आपने कंसीडर करनी है कि क्या ये प्रोडक्ट आपके अकाउंट पे गेटेड तो नहीं। अनगेट होगी तो ऑब्वियसली आप सेल आउट कर सकेंगे, अदरवाइज आप इन आइटम्स को सेल आउट नहीं कर सकेंगे। होपफुली आपको काफी अंडरस्टैंडिंग होगी होगी बिकॉज मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवाया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं ऑनलाइन आर्बिट्राज की फर्दर वीडियोज आपको शेयर करती रहूंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कंटिन्यूसली हमारी वीडियोस को देखते रहें। लाइक एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।